हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे टिंट पाइनएप्पल। फ्रेंड्स, ये काफी चीजों के काम में आता है। टिंट का मतलब है डिब्बा बंद, जो हम काफी दिनों तक यूज कर सकते हैं। इस पाइनएप्पल को आप डेजर्ट में, आइसक्रीम में, या जो आप श्रीखंड तैयार करते हैं उसमें बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। अब देखो, पाइनएप्पल को स्टोर करने के लिए आप कितना भी पाइनएप्पल ले ले, एक ले ले, आधा ले ले, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पाइनएप्पल आपको काट करके दिखा रही हूँ। लगभग इतने में 4 से 5 पीस बनकर तैयार होंगे। तो मैंने इसे चाकू से काट लिया है। चाकू से आपको थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल पतला नहीं रखना है, हल्का हल्का मोटा सा रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस काट लिए हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप काट लें। तो जितने भी आपको पीसेस स्टोर करने हैं, आप उतने पीसेस काट करके रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पैन ले लेना है, थोड़ा सा जिसका सरफेस एरिया चौड़ा हो। ये देखिए, इसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पर चीनी डाली है, चीनी मैंने यहाँ पर जितनी भी डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी क्वान्टिटी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो जिस बर्तन के नाप से मैंने चीनी ली है उसी बर्तन के नाप से पानी डाल दिया है। चीनी को मेल्ट होने देंगे, जब अच्छी तरीके से घुल जाएगी उसके बाद हम अगली प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तेज गैस पे मैंने चीनी को उबाल ले लिया था। इसमें थोड़ा सा हरा रंग डालेंगे, हरा नहीं है तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, दोनों कलर में से आप कोई सा भी डाल सकते हैं। कलर को अच्छी तरीके से घुल जाने दीजिए, उसके बाद इसमें ये जो पाइनएप्पल हमने काटे हैं इसको डाल देंगे। तो थोड़ा इस तरीके से डालिए कि सारे पाइनएप्पल हमारे अच्छी तरीके से पक जाए। तो जितने आ जाए उतने डालिए। तो मेरे यहाँ पर लगभग 4 आ जाएंगे, तो मैं इसमें 4 डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसे सेट कर देंगे, क्योंकि चारों ओर से इसे एक सा हमें कुक करना है। अब इसे जो कुक करने की प्रोसेस होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इसे काफ़ी दिनों तक हमें प्रिजर्व करके रखना है, इसलिए कुक करना ज़रूरी होता है। कच्चा रख दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। यहाँ पर मैंने चुटकी भर नमक डाला है। ढक्कन लगाकर लगभग 10 मिनट के लिए रख देंगे स्लो गैस पर। को पकाना है लेकिन ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हमें हल्का सा इसे कच्चा रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज को यदि फ्रोजन करके रखना है तो ओवर कुक नहीं करना होता, उसे हमेशा पावर बॉइल करना होता है। तो अब 10 मिनट हो गए हैं, पाइनएप्पल को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर चाकू ले लिया है, बीच में हल्का सा इसको करूंगी पुश। चाकू अच्छी तरीके से दब रहा है, इसका मतलब हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसे किसी डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। आपका ये 1 महीना आराम से चल जाएगा, खराब नहीं होता है और इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। ये जो हमारा पाइनएप्पल टिंट तैयार हो गया है, इसको आप श्रीखंड में यूज कर सकते हैं। श्रीखंड में तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, दही को सबसे पहले तो आप हंग करना है। हंग करके आप जब गाढ़ा गाढ़ा दही हो जाए तो पाइनएप्पल को आप पीस सकते हैं मिक्सी में डायरेक्ट, या छोटे छोटे पीसेस भी करके डाल सकते हैं। बहुत यम्मी बनकर तैयार होगा और इसे केक में भी यूज कर सकते हैं, डेजर्ट में भी यूज कर सकते हैं और आइसक्रीम में भी यूज कर सकते हैं। और इसे बिना किसी चीज में ऐड किए ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में ये बहुत मीठा होता है, यम्मी सा टेस्ट होता है, इसका बच्चों को बहुत पसंद आता है। और यदि आपको मेरी रेसिपी की फुल डिटेल चाहिए तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने वहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है रेसिपी की, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सीधे हाथ पे दिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी नई रेसिपी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह नई रेसिपी में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।